बहुत सारे लोगों को अभी पता नहीं है कि ECR और ECNR पासपोर्ट क्या होता है और इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। सो गाइस, मैं हूँ इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप और डिटेल्स में दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप समझेंगे कि ECR पासपोर्ट और ECNR पासपोर्ट क्या होता है और इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ECR पासपोर्ट क्या होता है। ये 10वीं से कम पढ़े लिखे लोगों को जारी होता है। ये पासपोर्ट आप सिर्फ आधार कार्ड के बेस पे बनवा सकता है, बट आपको ये पासपोर्ट बनवाते हैं तो आपको 18 ऐसे कंट्री है जहां पे आपको एग्रीमेशन के चक्कर लग सकते हैं। तो आप सिर्फ ये पासपोर्ट है जो आधार कार्ड के बेस पे बनवा सकते हैं, बट आप कोई भी देश में सिर्फ घूमने फिरने या इलाज के लिए जा सकते हैं, आप काम करने के लिए ये पासपोर्ट से नहीं जा सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि ECNR पासपोर्ट क्या होता है। देखिए, ये पासपोर्ट जो है 10वीं क्लास जो पास किए रहते हैं, जिसका सर्टिफिकेट होता है 10वीं का, वही ये पासपोर्ट बनवा सकते हैं। तो ये पासपोर्ट से उनको ये बेनिफिट होता है कि वो दुनिया के कोई भी कोने में जा सकते हैं घूमने फिरने के लिए, काम करने के लिए, इलाज करने के लिए या कोई भी काम करने के लिए दुनिया के कोई भी कोने में जा सकते हैं और उसको जो एग्रीमेशन के चक्कर नहीं लगेंगे, वो बिंदास किसी देश में जा सकते हैं। बट जो है ECR पासपोर्ट वाले को 18 ऐसे कंट्री है जहां पे जाने के लिए उसको क्लियरेंस लेना पड़ता है, तो वो क्लियरेंस लेने के बाद ही 18 ऐसे कंट्री है जहां पे वो जा सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि ECR और ECNR पासपोर्ट में क्या फ़र्क होता है। देखिए, एम्प्लॉयमेंट के अलावा इलाज, पढ़ाई लिखाई, घूमने फिरने के लिए आप अगर जाना चाहते हैं तो इसमें दोनों तरह के पासपोर्ट वाले जा सकते हैं। जैसे ECR और ECNR दोनों तरह के पासपोर्ट वाले जा सकते हैं। फ़र्क वहाँ आता है जहाँ पर आपका ECR पासपोर्ट होता है। तो आपको 18 देश ऐसे हैं जहाँ पर इग्रीमेशन काउंटर से आपको क्लियरेंस लेना पड़ेगा, तभी आप जा सकते हैं। जबकि ECNR वाले को क्लियरेंस नहीं लेना पड़ता है, वो बिंदास कभी भी कहीं भी कोई भी कंट्री में जा सकता है। चलिए मैं अब आपको बता देता हूँ कि 18 से कौन से कंट्री है जहाँ पे आपको, अगर आपके पास ECR पासपोर्ट है तो आपको जो है क्लियरेंस लेना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप 18 ऐसे कौन से कंट्री है जहाँ पे आपको जाने के लिए क्लियरेंस लेना पड़ेगा। ये 18 कंट्रीज है जहाँ पे आपको जाने के लिए इग्रीमेशन काउंटर से क्लियरेंस लेना पड़ेगा। ये देश है यूनाइटेड अरब इमीरात, UAE, द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया KSA, कतार, ओमान, कुवैत, बहरीन, मलेशिया, लीबिया, जॉर्डन, यमन, सूडान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, सीरिया, लेबनान, थाईलैंड और इराक। तो ये 18 देश है जहाँ पे आपको जाने के लिए इग्रीमेशन काउंटर से क्लियरेंस लेना पड़ेगा। जबकि ECNR पासपोर्ट वाले कोई भी देश में कभी भी कहीं भी जा सकते हैं, उसको जो है इग्रीमेशन काउंटर से क्लियरेंस नहीं लेना पड़ता है। तो अगर आपके पास ECR पासपोर्ट है तो आप इन देशों में जाने के लिए आपको इग्रीमेशन काउंटर से क्लियरेंस लेना पड़ेगा। सो गाइस, इस तरीके से आप ECNR पासपोर्ट और ECR पासपोर्ट में फ़र्क समझे। अगर आपके पास ECR पासपोर्ट है तब तो आपको 18 कंट्री में जाने के लिए आपको एग्रीमेशन लेना पड़ेगा, क्लियरेंस लेना पड़ेगा, तभी इन 18 कंट्रीज में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ECNR पासपोर्ट है तब तो आप कोई भी कंट्री में जा सकते हैं और आपको क्लियरेंस नहीं लेना पड़ेगा। तो अगर आपके पास ECR पासपोर्ट है तो आप जो है इलाज, घूमने फिरने, पढ़ाई लिखाई के लिए जा सकते हैं, कभी भी कहीं भी कोई भी कंट्री में आपको जो है इग्रीमेशन के चक्कर नहीं लगेंगे। फ़र्क वहाँ आता है जहाँ पे आप काम करने के लिए जाते हैं, वहीं फ़र्क आता है ECR पासपोर्ट वाले को, वहाँ पे जो है इन 18 कंट्री में क्लियरेंस लेना पड़ता है। जबकि आपको ECNR पासपोर्ट वाले को
कभी भी कहीं भी कोई भी देश में जा सकते हैं, उसको क्लियरेंस नहीं लेना पड़ेगा। उस वो जो है पासपोर्ट बनाए रहते हैं वो 10th क्लास के सर्टिफिकेट के से बनाए रहते हैं, और ECR पासपोर्ट वाले जो होते हैं वो आधार कार्ड के बेस पे पासपोर्ट बनाए रहते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इसीलिए जो है वो पासपोर्ट जो है बनाए रहते हैं। जबकि ECNR पासपोर्ट वाले कभी भी कहीं भी कोई भी कंट्री में जा सकते हैं, उसको क्लियरेंस नहीं लेना पड़ेगा। तो गाइस आपने समझा कि ECR पासपोर्ट और ECNR पासपोर्ट में क्या फ़र्क होता है, और कौन कौन सी जो है कंट्री में वो जा सकते हैं और कौन कौन से कंट्री में वो नहीं जा सकते हैं। तो 18 ऐसे कंट्री है जहाँ पे आपको जाने के लिए क्लियरेंस लेना पड़ेगा, तभी आप उस कंट्री में काम करने के लिए जा सकते हैं। आप अगर इलाज के लिए, पढ़ाई लिखाई, घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं अगर आपके पास ECR पासपोर्ट है तो, अगर आपके पास ECNR पासपोर्ट है तब तो आप पढ़ाई लिखाई, घूमने फिरने, काम करने के लिए भी जा सकते हैं, आपको जो है कोई क्लियरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। सो ये फ़र्क होता है ECR पासपोर्ट और ECNR पासपोर्ट में। सो गाइस अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ECR पासपोर्ट और ECNR पासपोर्ट में क्या फ़र्क होता है और इसमें क्या अंतर होता है। अब आप से कोई भी पूछेगा कि ECR पासपोर्ट और ECNR पासपोर्ट में क्या फ़र्क होता है और कौन कौन से कंट्री में हम जा सकते हैं और कौन कौन से कंट्री में हम नहीं जा सकते हैं, तो आप उसको बहुत ही बिंदास और आसानी से समझा सकते हैं कि आप इन कंट्री में जा सकते हैं और इन कंट्री में आप नहीं जा सकते हैं। सो गाइस अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ECR पासपोर्ट और ECNR पासपोर्ट क्या होता है और इनमें क्या फ़र्क होता है। सो गाइस अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि मैं इस तरीके का नया नया वीडियो में पर डे अपलोड करते रहता हूँ और मेरे वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नॉलेज गेन होगा, क्योंकि मैं नया नया टॉपिक पे नया नया वीडियो में पर डे अपलोड करते रहता हूँ। सो गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, आपके दिल में अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जो भी कमेंट आता है मैं उसका रिप्लाई टाइम निकाल के मैं उस पर्सन को, मेरे जो व्यूअर्स है उसको मैं ज़रूर देता हूँ। तो अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।